हेलो फ्रेंड, मैं सकीना खान सखी गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड, आज मैं फिर आपके पास एक नई वीडियो के साथ आई हूं। मैंने पहले भी ये गुलाबांस का वीडियो डाला था आपके पास में। पहले था येलो कलर के फूलों का, आज मैं पिंक कलर के फूलों का डाल रही हूं और स्पेशल इसके कंद के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। आज मैंने अपने गार्डन की सफाई की है, करीब 8-10 पेड़ मैंने निकाले हैं और उसके नीचे की जड़ जिसे कंद बोलते हैं वो मैंने कंद को निकाला है। वो कंद को मैं साफ़ करके मैंने रखा है, आज मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड, उस कंद को लेकर के धुल लो। धुलने के बाद में उसे अच्छे से साफ़ कर लो। साफ़ करके उसे कद्दूकस कर लो। कद्दूकस करके रख लो। उतना ही क्वांटिटी में आप गोंद ले लें जितना हमारा कंद है। उस गोंद को लेकर के घी में फ्राई कर लो और इसको भी, कंद को भी फ्राई कर लो। उतना ही ड्राई फ्रूट ले लो जो अपनी कैपेसिटी हो। ड्राई फ्रूट को लेकर के उसे भी घी में फ्राई कर लो। फिर गोंद को और ड्राई फ्रूट को खड़ कर लो मिक्सी से। फिर आपस में तीनों को मिक्स कर लो और कढ़ाई में चीनी डालो। घी में थोड़ा सा डाल करके चीनी की, जैसे कि हमारा 1 किलो हुआ टोटल क्वांटिटी, तो मैंने 1/2 किलो अपनी चीनी डाली है। और चीनी डालने के बाद में उसे चाशनी बना करके उसके सारे ड्राई फ्रूट, गोंद और जो हमारे पास कंद था वो सारा मिक्स कर लिया और ठंडा करके उसके छोटे छोटे लड्डू बना लिए। फिर लड्डुओं को सुबह शाम खाया जाएगा 1 गिलास दूध के साथ। अब मैं इसके गुणों के बारे में बता रही हूँ। जो हमारा कंद है इसमें बहुत ताकत होती है। कहते हैं बुजुर्ग लोग की 100 घोड़ों की ताकत है, तो वो कहावत सही है। ये जैसे हमारे जेंट्स होते हैं उनका नाइट फॉल हो जाता है उसमें बहुत लाभदायक है, या लेडीज हैं जिनको लिकोरिया जैसी बीमारी है वो सही हो जाती है। और तो और ये बहुत ताकतवर होता है, इससे मर्दाना ताकत बहुत आती है। तो प्लीज़ अगर आपके घरों में अगर है इसका पेड़ तो इसके कंद को बर्बाद ना करें। जैसे लोग इसको निकाल करके फेंक देते हैं, तो इसे अपने घरों में लगाएं और इसकी कंद को निकाल करके खाएं। तो फ्रेंड देखिए, ये पेड़ वैसे भी बहुत अच्छा है। ये 5 प्रकार के तरीके से फूल होते हैं इसके। एक वाइट, पिंक, रोजी कलर, जैसे रेड, येलो कलर, सेट का, ऐसे 5 प्रकार के फूल होते हैं। ये हमारे लिए बहुत काम का होता है। ये बेसरम की तरह होता है। इसके पत्ते बेसरम से भी हल्का थोड़ा छोटे होते हैं, लेकिन हमारे पेट के लिए, खुजली के लिए ये हर काम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके पत्तों का अगर हम रस निकाल कर, किसी हमारे घाव हो गया है तो उस घाव को धुलने से घाव भी जल्दी भर जाता है, या कहीं खुजली है, दांत, खाज, फोड़ा, फुंसी, वो सब ठीक हो जाते हैं। इसके पत्तों को हल्का पीस के गुनगुना करके अगर हमारे फोड़ा फुंसी कहीं पर भी हैं तो इसके ऊपर रख लेना चाहिए, और इससे कि पक कर के उसके जो गांठ होती है वो गांठ भी बाहर निकल जाती है। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आगे जितनी भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। तो ठीक है दोस्त, बाय बाय, मैं चलती हूँ। टेक केयर। ओके, बाय।